ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रीमर लोग आम प्लेयर पबजी वगैरह के या किसी भी और ऑनलाइन गेम के गेम को हैक करते हैं। किसी और ऑनलाइन गेम की हम बात नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। और आप इन बहुत से लोग बोलेंगे चलो ठीक है भाई हैक तो हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, एक्चुअली बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हैक तो हो जाती है, ठीक है हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको हैक करने के बाद लोग स्ट्रीम किस तरह कर लेते हैं, यानी हैक वो तो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जो मतलब उनकी पब्लिक होती है, जो उनके व्यूअर्स होते हैं, जो उनको देख रहे होते हैं, वो किस तरह नहीं देख पाते हैक को। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह सीन होता है सारा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @dbilalchaudhary, लिंक मेरी इंस्टाग्राम आईडी के नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज ये बता दूं कि जो लोग गेम को हैक करके नहीं खेलते, मतलब जो नॉर्मल प्लेयर है वैसे खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा नहीं खेलते, जैसे भी प्लेयर है, उनको ये लगता है कि हैक मतलब करना पता नहीं क्या चीज होती है, जिन्होंने कभी हैक किए ही नहीं होता, मतलब हैकर पता नहीं खुद कुछ गेम में मतलब मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब बहुत सिंपल। जिस तरह आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, इसी तरह आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना होता है, या अगर आप अपनी पबजी को मोबाइल से हैक करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल को रूट करना होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ एक गेम गार्डियन के नाम से और इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है उनकी हेल्प से आप पबजी को हैक कर सकते हैं। और अगर आप अपने पीसी पे खेलते हैं, एमुलेटर पे खेलते हैं, तो वो तो बहुत ही ईजी है, और ईजी है, किसी रूट राट की जरूरत नहीं होती आपको पीसी के अंदर, और आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके लिए भी आपको मिल जाते हैं, डीगो जी एच ए, बहुत सी चीजें मैंने क्योंकि खुद ट्राई किया है तो इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए उस समय मैंने इस चीज को ट्राई किया था। और फिर जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट की तो मुझे क्योंकि आइडिया था कि हैकर किस तरीके से होते हैं, मतलब किस तरीके से वर्क करते हैं, हैक किस तरह काम करते हैं, लोकेशन हैक कौन सा होता है, वॉल हैक जो होता है, मतलब वॉल से आप आर पार देख सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, उसके अलावा अपनी गाड़ियों को हवा में उड़ा सकते हैं, जंप मार सकते हैं, इस तरह के जितने भी हैक होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। तो मुझे फिर ये अंदाजा हुआ, पहले मुझे ये नहीं पता चलता था, मुझे अगर कोई गोली मार जाता था, कोई हैकर मार जाता, कोई नॉर्मल बंदा, तो मैं ये चीज मतलब इस चीज में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता था कि हैकर ने मुझे मारा या किसी और, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हैक किस तरह होता है। और अगर कोई बंदा बोलता था कि भाई वो हैकर हैकर हैकर, मैं कहता था यार वैसे ही इसको गोली लग गई है, तो ऐसे ही हैकर हैकर कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहां पर मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें आपका एक डाउट तो क्लियर होगा। आपको ये तो पता है गेम हैक हो जाती है, पहले लोगों को मतलब होता था कि हैक ही नहीं होती, पबजी वाले बैन कर देते, बैन जरूर करते हैं, लेकिन इतनी रिपोर्टें की हैं मैंने, इतने लोगों को रिपोर्ट किया जो हैकर होते हैं, लेकिन बहुत कम को देखने को मिला है कि उन्होंने बैन कर दिया। मुझे एक आदम की तरफ से रिप्लाई आया कि भाई आपने इसको रिपोर्ट किया था, हमने इसको इतने दिनों के लिए बैन कर दिया, एक बार मुझे सिर्फ ये उनकी तरफ से मतलब आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने एक तरफ स्ट्रीम लैब को ओपन किया, जिन लोगों को स्ट्रीम लैब के बारे में पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक जो लोग स्ट्रीम करते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्ट्रीम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रीमर हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुझे गेम नज़र आ रही है और जो स्ट्रीम लैब के अंदर गेम नज़र आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पर गेम हैक हुई नज़र आ रही है, लेकिन स्ट्रीम लैब के अंदर आप देख सकते हैं जो ऑडियंस को लाइव नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको कोई भी हैक शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मुझे हैक शो हो रहा है। तो जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से मतलब कितना इजी है कि एक तरफ गेम चल रही है हमारी स्ट्रीम लैब के ऊपर, ठीक है, स्ट्रीम लैब पे गेम चल रही है जिसपे हमें हैक मुझे हैक नजर आ रहा है, ठीक है, जो बंदा खेल रहा है उसको हैक नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही साइड पर आप देख सकते हैं जहां पर स्ट्रीम वो जो दूसरी स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हैं वो हैक शो नहीं हो रहा। अब ये किस तरह होता है, हैक क्या होता है, हैक एक किस्म की एक विंडो आप समझ सकते हैं, यानी ये पीछे गेम चल रही है, यहाँ पर पबजी चल रही है, आगे हैक लग जाता है। अब वो हैक हम छुपा सकते हैं, वो गेम के अंदर नहीं होता, यानी अब गेम में जैसे बंदे चल रहे हैं हम उनको तो हाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो गेम के अंदर है, लेकिन क्योंकि हैक जो होता है वो एक आप उसको एक विंडो एक लेयर से मतलब ऐसे जेन में अपना एक इमेज बनाने के लिए, मैं ऐसे उल्टी उल्टी चीजें बना लेता हूँ जेन में कि भाई इस तरह होता है, ठीक है, तो वो आप एक लेयर समझ सकते हैं, उसको आगे से हटाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं आप अपने स्ट्रीम लाइव जाकर विंडो कैप्चर वाले ऑप्शन को मतलब कर सकते हैं, और एक तो इसमें एक और छोटी सी सेटिंग करनी होती है और उसके बाद आपको मतलब आप उसको हैक करने के बाद भी स्ट्रीम कर सकते हैं। अब आपको तो हैक नजर आ रहे हैं, आपको बंदे नजर आ रहे हैं, आपको जो भी आपने हैक लगाया हुआ है, जो भी हैक आप यूज कर रहे हैं, ऑप्शन होता है कि आपने भाई सिर्फ लोकेशन हैक रखनी है, सिर्फ लोकेशन हैक रखेंगे तो उसमें बैन होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि पबजी वाले को ज्यादा पता नहीं चलता। अगर आपने मतलब सारे हैक लगाए हुए हैं, आपने जो है मतलब रिकॉइल कंट्रोल किया, रिकॉइल कंट्रोल करके अगर आप खेलेंगे तो उससे क्या होगा कि साफ पता चल जाएगा पबजी वालों को भी कि भाई ये कोई जरूर चक्कर कर रहा है, ठीक है, और उससे मतलब हो जाता है आइडिया हो जाता है।
तो लोकेशन हैक से कम चांसेस होते हैं कि आइडिया हो पबजी वालों को कि ये बंदा हैक कर रहा है, क्योंकि उससे आप अगर आगे पीछे भाग रहे हैं, कभी कभी गलत फायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हैक वर्क करते हैं। और जितने लोगों को भी ये है कि भाई हैक को लगा के स्ट्रीम नहीं कर सकते, हैक छुपा नहीं सकते, तो उनको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह हैकर वर्क करते हैं और किस तरीके से वो गेम को हैक वगैरह करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।